your physics teacher, and today we will discuss about atmospheric reflection of class 10, chapter 11, human eye and the colorful world. तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर थ्रू द सन. मींस जब भी लाइट जो होती है सन से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो एंटर करते पर समय क्या होता है, वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है. और बैंड क्यों होती है, बिकॉज ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज प्रेजेंट इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स की अलग अलग डेंसिटीज होती है. तो जैसे जैसे हम सरफेस से अपवर्ड साइड पर जाते हैं, डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है. और जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ आते हैं, हम कह सकते हैं डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है, होती है. हम ये कह सकते हैं कि अर्थ सरफेस के पास कम लेयर्स होगी उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अपर लेयर्स, ठीक है. और इसके अलावा अगर हमारे एटमोसफेयर से बाहर की बात करें, तो वहाँ कोई एटमोसफेयर ही नहीं है, हम कह सकते हैं वहाँ डेंसिटी लाइट स्पीड जो होगी वो क्या होगी, 3×10⁻¹. तो एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन को क्लियरली समझ गए क्या होता है, कि जब लाइट सनलाइट जब आती है तब क्या होता है, वो हमारे एटमोसफेयर में एंटर करते टाइम क्या होता है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है. क्योंकि जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट आती है तो बैंड होती है. तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन होता है थ्रू द एटमोसफेयर ऑफ आवर अर्थ. तो सिंपल सा है, एक सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज द एंड अर्थ है. इसके अलावा एटमोसफेयर ले लेते हैं, सिंपल सा हम बात कर लेते हैं, ये है अर्थ एंड इसे हम थोड़ा सा और रूप कर लेते हैं, ठीक है. ये अर्थ हो गई, ये हो गई इसकी लेयर्स. इसे हम एटमोसफेयर ले लेते हैं, ये क्या हो गया हमारा एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में जब लाइट एंटर करती है तो थोड़ा सा क्या होता है, बैंड हो जाती है. तो हम इस तरह से सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहां से लाइट एंटर कर रही है, लाइट जब एंटर करती है तो क्या होगा, नॉर्मल इस तरह हम इसको नॉर्मल कर रहे हैं, तो नॉर्मल कर रहे हैं, तो क्या होगा, लाइट को सी नॉर्मल का बैंड हो जाती है. ऐसे लेते हैं लाइट आ रही है नॉर्मल बैंड, ठीक है. तो एक्चुअली क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है. तो अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स की वजह से क्या होता है, डेंसिटी की वजह से यहाँ रिफ्लेक्शन होता है. तो बेसिकली अर्थ सरफेस के पास वाले लेयर का डेंसिटी हायर होती है एज कम्पेयर टू अपर लेयर. तो ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है. Some of the phenomena based on the atmospheric reflection. अब atmospheric reflection के basis पर कुछ phenomena हैं जो हम discuss करेंगे. तो क्या atmospheric reflection? इसको हम define कर देते हैं. The phenomena of bending of light, bending of light when it passes through Earth's atmosphere. ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है. इसके कुछ फिनोमेनास हैं कि इसका यूज कहां हमें देखने को मिलता है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर. स्टार जो होते हैं हमें एक्चुअल पोजीशन से ज्यादा हाइट पे हमें दिखाई देते हैं, बिकॉज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन.
इसके अलावा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, मींस आपको सनराइज निकलने से सन निकलने से पहले आपको 2 मिनट सनराइज दिखाई देता है और सनसेट होने से बाद तक आपको तो एक्चुअली सनसेट के बाद तक आपको 2 मिनट तक उसका सनसेट की सन दिखाई देता है। तो यहाँ क्या होता है, बिकॉज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ भी सेम प्रॉब्लम होता है कि लाइट जो होती है लाइट जाती है, एक्चुअल पोजीशन सन की हमें ऊपर दिखाई देती है लेकिन एक्चुअली सन जो होता है वो सेट हो चुका होता है। या मॉर्निंग में भी सेम कंडीशन है, मॉर्निंग में जब सन यहाँ पोजीशन होता है हमें यहाँ दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं 2 मिनट पहले सनराइज दिखाई देता है और हमें 2 मिनट बाद तक सनसेट दिखाई देता है। इसके अलावा नेक्स्ट फिनोमेना है, द सन अपीयर्स ओवर एट सनराइज एंड सनसेट बट अपीयर्स सर्कुलर एट नून। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पर हमें ओवल शेप में दिखाई देता है सन, बट अगर हम नून की बात करें आप जो जैसे बीच का टाइम जो होता है दोपहर का, उसमें क्या होता है सन हमें क्या होता है पूरा सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देता है बिकॉज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है स्टार ट्विंकल प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल होते हैं बट प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। यहाँ भी ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, उसकी क्या क्या जैसे कि फ्रिंजल इफेक्ट होता है, ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज का वीडियो एंड करते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, प्लीज लाइक एंड शेयर माय YouTube वीडियोस एंड आल्सो सब्सक्राइब माय YouTube चैनल Jules Classes by Gaurav Sir, and for more videos please click on the I button above.